हरिओम, मैं योगाचार्य भारती, मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि गले के रोग में आप कौन कौन से योग कर सकते हैं जिनसे कि आप अपने गले को स्वस्थ रख सकें, अपनी आवाज को स्वस्थ रख सकें। यदि आपकी आवाज आपके गले से नहीं निकल रही है, आवाज में बहुत ज्यादा भारीपन है, बहुत रूखापन है, आपके गले में बहुत ज्यादा दर्द है, आपकी श्वास नली में सूजन आ गई है, तो आप आखिर कौन से योग करके अपने गले की आवाज को ठीक कर सकते हैं। और यदि आप सिंगिंग लाइन में हैं तो भी आप ये योग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास आप गले के लिए अपने कर सकते हैं, भुजंग आसन। तो भुजंग आसन आपने कैसे करना है, अपनी मैट पर लेट जाइए, आपकी चिन जमीन पर रहेगी और पैर आपके दोनों मिले हुए रहेंगे। श्वास भरते आपने धीरे धीरे ऊपर उठना है, वन श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। स्टे हेयर अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। इस प्रकार से आप भुजंग आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको भी गले की प्रॉब्लम है, आपके गले का रोग आपको है, दूसरा अभ्यास है आपका मकर आसन, टो आउटसाइड हील इनसाइड। अपने गले को आपने आगे की तरफ खींचना है इस प्रकार से, और अपनी जो एल्बो है उसको आगे की तरफ ले जाना है। आंखें बंद रहेंगी आपके मकर आसन में, तो इसकी सहायता से भी आप अपने गले को ठीक कर सकते हैं। अब अगला अभ्यास है आपका योग मुद्रा। तो योग मुद्रा आपने कैसे करना है, वज्रासन में बैठना है आपने। अब आपने अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट रिस्ट को पकड़ना है, श्वास लेनी है, इस तरीके से पकड़ना है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है। धीरे से वापिस आना है, धीरे से वापस आना है। इस प्रकार से आपने योग मुद्रा आसन करना है। अब अगला आसन है आपका सुप्त वज्रासन। तो सुप्त वज्रासन में जाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने वज्रासन में आना है इस प्रकार से, और वज्रासन के में आने के बाद अपने पैरों को बाहर की तरफ निकालना है, पैरों को ऐसे नहीं मोड़ना है, इस तरीके से रखना है, अदरवाइज एंकल टूट सकता है आपका। धीरे धीरे आपने नीचे की तरफ आना है, आपकी पोजिशन रहेगी ये। स्टे हेयर अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। आपकी थायराइड ग्लैंड पे पूरा इसका असर पड़ना चाहिए, इसको फील कीजिए, आपका ध्यान इसमें रहेगा, विशुद्धि चक्र पर आपके। तो अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से आपने वापिस आना है। अब यहीं से करेंगे आप अगला अभ्यास। अगला अभ्यास है आपका गले के लिए हलासन। इस प्रकार से पैर को उठाते हुए आपने स्टे हेयर अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। अब यहीं से अगला अभ्यास करना है अपने सर्वांग आसन। गले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये सारे। अब धीरे से वापस आना है, काउंटर पोज मत्स्य आसन। अगर आपका पद्मासन नहीं लगता है तो आप इसमें सुखासन में भी कर सकते हैं। धीरे से आपने वापस आना है। ये जितने भी अभ्यास मैंने आपको बताए हैं, ये आप गले के रोग में कर सकते हैं, और उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके लिए। आप कुंजल कर सकते हैं, धौती कर सकते हैं, कपाल भाती कर सकते हैं। तो इन आसनों को करके आप अपने गले की आवाज को
सुरीला बना सकते हैं, अपने गले की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो इसे जरूर आजमाइएगा और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा यदि किसी के भी गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम।